एक फिल्म अगर कश्मीर जेनोसाइड पे बनती है तो उसको रोकने की इतनी सारी क्या कोशिश, क्यों नहीं उसको मेन स्ट्रीम मीडिया का सपोर्ट मिलता है उसी तरह से, क्यों नहीं उसके बारे में चर्चा करने का मौका मिलता। आप बोलते बहुत ज्यादा हैं सोशल मीडिया में, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, आप बोलने लगी है मेरे बिहाफ पे जैसे स्टार्स के लिए बोलते हैं, मैं चुप हो जाऊंगा। आप सब मीडिया से आपके पेपर पर किसी ने नहीं लिखा होगा इसके बारे में, किसी टीवी चैनल ने बात तक नहीं करी। सत्तर स्क्रीन में रिलीज हुई थी और उसी के साथ 5000 में कलंक और एंड गेम रिलीज हुई थी, पर हमारी चलती रही कछुए की चाल, कभी लंबी चली जाती है कई बार, तो लोगों को समझ में आया। इस फिल्म के साथ भी ऐसा ही है, कोई ऐसा आप देखें ना तो हमारे पास बजट है मार्केट करने के लिए, कुछ करने के लिए, बहुत कम स्क्रीन में रिलीज होगी। अगर ईश्वर का आशीर्वाद हुआ, लोगों का आशीर्वाद हुआ, स्नेह मिला फिल्म को, तो हो सकता है वो स्क्रीन बढ़ते 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 शायद फिर से लंबी रेस हो जाए। तो इसलिए मुझे बहुत आदत भी नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हमारे साथ होती भी नहीं है, लेकिन तो इसलिए मुझे अपनी आवाज़ खुद निकालनी पड़ती है, खुद अपने प्रोडक्ट को जनता तक ले जाना पड़ता है। तो कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि भाई आप बोलते बहुत ज़्यादा हैं सोशल मीडिया में, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, आप बोलने लगी है मेरे बिहाफ पे जैसे स्टार्स के लिए बोलते हैं, मैं चुप हो जाऊँगा। चिंकू मेरे बारे में कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि आजकल बिना पैसे के बोला भी नहीं जाता है किसी के बारे में, और मेरे पास पैसे भी नहीं है देने के लिए, तो इसलिए मैं खुद बोलता हूँ। तो इस फिल्म के लिए भी मैं ही बोल रहा हूँ, मैं इसको ले लेकर दौड़ रहा हूँ। 36 ऑर्गेनाइजेशंस ने जब हम गए तो उनने कहा अब हम इस फिल्म को दिखाएंगे लोगों को, और ये अमेरिका के 16 सिटीज में जैम पैक, मतलब स्टैम्पीड होती थी, आप उसकी फोटो देखेंगे, वीडियोस देख, सब जगह पड़े हमने डाले, मतलब यह हालत हो गई थी कि जितने लोग अंदर थे उतने ही बाहर खड़े होते थे कि भाई हमें दिखा दो ये फिल्म, और कोई इसकी हमने एडवर्टाइजिंग नहीं की, कोई पब्लिसिटी नहीं गई, किसी मीडिया ने, आप सब मीडिया से आपके पेपर पर किसी ने नहीं लिखा होगा इसके बारे में, किसी टीवी चैनल ने बात तक नहीं करी। एक ऐसा कुछ बन गया हमारे यहाँ, हम लोगों ने, आई थिंक वी आर द ओनली सोसाइटी, मैंने तो कहीं और ऐसा देखा नहीं किसी और सिनेमा में, हमने डाकुओं को बहुत ग्लोरीफाई किया। अगर आपको याद हो 60-70 के दशक में हम लोग कुछ भी, और डाकू की फिल्म है मतलब वो अच्छा आदमी होगा, और बंदूक उसने किसी उसे ऑप्रेस किया था इसलिए उठाया था, क्योंकि उस वक्त इप्टा के लोग थे, एक थॉट प्रोसेस थी। लेकिन डाकू तो कभी अच्छा हुआ नहीं, कोई अच्छा डाकू का कोई एग्जाम्पल भी नहीं है इस दुनिया में। फिर हम लोगों ने स्मगलर्स को ग्लोरीफाई करना शुरू किया। एक फिल्म अगर कश्मीर जेनोसाइड पे बनती है तो उसको रोकने की इतनी सारी क्या कोशिश, क्यों नहीं उसको मेन स्ट्रीम मीडिया का सपोर्ट मिलता है उसी तरह से, क्यों नहीं उसके बारे में चर्चा करने का मौका मिलता है, और उसके बारे में अगर हम कुछ बोलते हैं तो लोग, आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं। कुछ दिन पहले मैं दिल्ली में था, 10-12 दिन पहले, वहां पे एक किसी जर्नलिस्ट से मुलाकात हुई और उन्होंने बोला कि अच्छा कश्मीर फाइल्स बना रहे हैं, उन पढ़ते हैं उसके बारे में। उन्होंने खोला NDTV का पेज, NDTV के पेज में 6 महीने पहले वो पेज बनाया गया था, हिंदुस्तान में मेरे अलावा और चंद टेक्नीशियंस और एक्टर के अलावा किसी ने ये फिल्म नहीं देखी है, और उसमें लिखा हुआ था कश्मीर फाइल्स इज अ प्रोपेगेंडा फिल्म।